तो दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है। वैसे छात्र एवं छात्राएं जो आप सभी को बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अपने स्कॉलरशिप राशि को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके खाते में अभी तक स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। लेकिन दोस्तों आपको एक आवश्यक सूचना निकल के आ रहा है बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग के द्वारा कि आपका स्कॉलरशिप की राशि क्यों नहीं गई आपके खाते में। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी है, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों, अगले कुछ ही दिनों के अंदर आपके स्कॉलरशिप आपके खाते में ले जाएंगे, तो उसके लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, पढ़ाई के साथ आते हैं डॉट्स, तो डॉट के साथ करो ना आउट्स, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचो, क्रॉप करो और वीडियो सोल्यूशन मिलेगा तुरंत। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का हो या सीबीएसई बोर्ड यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर किसी और बोर्ड का हो, फिर चाहे क्लास छठी से बारहवीं आईआईटी जेई मेंस एडवांस या फिर कोई भी सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पे। साथ ही डॉट नेट ऐप पे चल रही इंडिया के नंबर वन डेली वीडियो क्लासेस, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पे पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी हिस्सा बने, आज ही डाउनलोड करें डॉट नेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आवश्यक सूचना निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं का अभी तक स्कॉलरशिप राशि नहीं आई है, उसके लिए क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप सभी को बता देना चाहते हैं दोस्तों, वैसे छात्र वर्ष 2020 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण छात्र को स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, अभी तक लाखों छात्र छात्राओं के बैंक खाते में स्कॉलरशिप का राशि नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को रेगुलर हम बताते आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, लेकिन अब आपको क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, आवश्यक सूचना में बताया गया कि आपको क्या करना है ताकि आपको पैसा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दें, ऐसे में छात्रों को लग रहा है कि उसका स्कॉलरशिप का पैसा बिहार शिक्षा विभाग की ओर से नहीं भेजी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में चल रहा है कि अभी तक बिहार शिक्षा विभाग जो है दोस्तों, वहाँ से अभी तक पैसा नहीं भेजा गया है, जिसके कारण पैसा नहीं आया है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि छात्रों के बैंक खाते में पैसा चले जाने के बाद भी पेमेंट स्टेटस शो नहीं कर पाता है। यहाँ पे सूचना निकल के आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट चला भी जाता है, लेकिन वहाँ पे पेमेंट स्टेटस जो है शो नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, तो इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक आवश्यक सूचना सभी छात्र छात्राओं के लिए जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है कि आप जाकर के अपने बैंक ब्रांच में, वहाँ पे जाकर के अपने बैंक स्टेटस चेक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया दोस्तों, छात्र छात्राओं के लिए जारी किए गए सभी छात्र छात्राओं अपने बैंक ब्रांच पर जाकर अपना राशि जरूर चेक कर ले, ताकि पता चल सके कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा आया है या नहीं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, यानी कि दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आप अपने बैंक जा करके पासबुक को अपडेट करवा ले, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, स्टेटस शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप बैंक जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं। अगर नहीं आया है तो आपको 30 जुलाई तक कंफर्म पैसा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को कन्फर्म बताने वाले हैं कि 30 जुलाई तक आपका पैसा जो है कन्फर्म चला आएगा, और स्टेटस चेक कर सकते हैं आप अपने बैंक जा करके। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि इंतजार आप सभी का बहुत लंबे समय से चल रहा है कि स्कॉलरशिप राशि अभी तक नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, आपका बहुत जल्दी पैसा आने वाला है। और वैसे भी एक बार अपने बैंक ब्रांच जा करके स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पैसा आया है या फिर नहीं आया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों।